मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है। मैं डीएवी एमपीएस कासाबिल में पढ़ती हूँ। मैं क्लास 9th की स्टूडेंट हूँ और आज हमारे गांव में ये मोदी है तो मुमकिन है का रथ निकला हुआ है और मैं अभी घर जाके मदारी आर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूँगी और उसमें से फिल्म देखूँगी। मेरा नाम रघुनाथ साहू है। मैं ग्राम बंदर कुआ का रहने वाला हूँ। विकासखंड कुनपुरी है, जिला जसपुर, और मुख्यमंत्री गांव के नज़दीक है हमारे गांव। और मोदी जी का रात आया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चंद्रेश्वर गुप्ता, ग्राम बटई किला भूखा ढाप, तहसील कांसाबिल, जिला जसपुर निवासी हूँ। आज हमारे यहाँ मोदी जी का रथ आया था, जो देख के बढ़िया लगा। जो अभी हम लोग YouTube में देखेंगे और देखे भी, वो बहुत अच्छा लगा। मैं राजेश्वर गुप्ता, बटई किला भूसा ढाप का निवासी हूँ। तहसील कांसाबेल, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। हमारे यहाँ मोदी है तो मुमकिन है का रथ आया है। YouTube से हम लोग उस पिक्चर को देखे, बहुत अच्छी लगी और हम लोग बहुत खुश हैं कि मोदी है तो मुमकिन है का रथ इतना शुभ काम चल रहा है। नाम है सुजर, मैं बादूपारा का रहने वाला हूँ। मेरा गांव बादूपारा जिले में छत्तीसगढ़ है। मोदी है तो मुमकिन है उसका रथ आया था, मेरे को बहुत अच्छा। आज पूरे छत्तीसगढ़ में मदारी आर्ट के द्वारा मोदी है तो मुमकिन है एक अभियान है, एक प्रकार का लोगों को जागरूकता करने का अभियान है। हम लोग एक बचपन में कविता गाया करते थे, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि से हर ग्राम है। आज यह सपना साकार होने जा रहा है। हम लोग एक परिकल्पना कर रहे थे कि हमारे जीवन काल में राम मंदिर बने और जो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम इसे देख पा रहे हैं। इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य आदरणीय आनंद दास जी के द्वारा किया जा रहा है। आनंद जी कला और साहित्य को लेकर के शुरू से ही इस सरगुजा पूरे संभाग में जागरूकता का रथ दौड़ाते रहे हैं। आज तो ये फिल्म बना करके पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का मन जीत लिए हैं। मैं चाहूँगा कि इनके द्वारा बनाए गए फिल्म को आप YouTube पर देखें और उसका लोगों को बताएं कि हमारा देश कैसे बदल रहा है।